जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो आपके पीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, पीएससी और व्यापम में। तो आज की क्लास बने रहिएगा, आज की जो क्लास होने वाली छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के सामान्य ज्ञान क्वेश्चन देखेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जीके, ठीक है, जो आपके पीएससी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, सीजीपीएससी प्री का 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसके लिए खास तौर पर वीडियो लेकर आया हूँ, एक बार वीडियो को रिवाइज करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है, ठीक है, तो एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आप लोग पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं तो व्यापम का एग्ज़ाम आसानी से तैयार हो जाएगा, ऐसी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। कल की वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर सीजीपीएससी की पूरा क्लासेस में अपलोड कर दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, ठीक है, 35 से 40 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वो 35 से 40 वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार देख के जाइएगा रिवाइज करके, ठीक है, 75% गारंटी देता हूँ, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस स्टार्ट करते हैं, आधुनिक इतिहास है। अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है, जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को अगर लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो क्लासेस कराने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के जो लेखक हैं वो कौन है? तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊँगा, तो आंसर सी हो जाएगा, रेवाराम बाबू जी, ठीक है, रेवाराम बाबू, जो कि रामायण, दीपिका, विक्रम विलास और ब्राह्मण स्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक थे, ठीक है। अब बात करें कि सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिए मैं बार डायरेक्ट आपको आंसर कराते जा रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आधुनिक इतिहास से। कल जो क्लासेस देखा था पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जंगल सत्याग्रह, जनजाति वगैरह से क्वेश्चन देखे थे, है ना। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की जो राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज व्यवस्था लागू की थी, 3 वर्ष के लिए, ठीक, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपका इलियट आ जाएगा आगे, इलियट जो है 3 वर्ष के लिए ब्रिटिश अधिकारी इलियट, जो छत्तीसगढ़ राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारी, ठीक है। और राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? तो आप बताएंगे राज्य के प्रथम मराठा शासक राजकुमार बिंबाजी भोसले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछता है कि राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है, तो आप बताइएगा बिंबाजी भोसले। देखिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हैं और कितने वर्षों में किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश का संस्थापक है, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक 1000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। कौन से ईसा पूर्व में? 1000 ईसा पूर्व में, जो कि कितने दिनों तक चला गया है? तो 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 1741 ईसा पूर्व तक चला है, ठीक है। ये आपको कलचुरी वंश का मैं बता रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जो 1000 ईसा पूर्व में, लेकिन कई पुस्तकों में 1740 दिया गया है, लेकिन आप 1741 लगाइएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में 1741 दे दिया जाएगा, 1740 दिया रहेगा, तो आप लोग ये वाला लगाइएगा, ठीक है। और इसका ही संस्थापक है कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व तक इसकी शासनकाल था, ठीक है। और सबसे बात यह करें कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपका जाजल्यदेव प्रथम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलचुरी वंश का सर्वाधिक शासन करने वाला नहीं, सर्वाधिक लंबे समय तक जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, यानी कि ताकतवर, वो आपका जाजल्यदेव प्रथम है। और पूछा जाए कि कलचुरी वंश के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा वंश सर्वाधिक समय तक शासन किया है,
तो आप बताएंगे कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन किया है सर्वाधिक समय तक। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ये कल के क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके लिए। ठीक है, अब कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? तो कैप्टन हंटर के बाद आपका कैप्टन सैंडिस को बनाया गया है। ठीक है, अब वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता में गठित हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा, दोहराइएगा कि वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता गठित हुआ था घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, 1906 में स्थापित एग्जाम में आता है समित्र मंडल के माध्यम से कितने सुधारों का श्री गणेश किया था? तो आप बताएंगे सुंदरलाल शर्मा जी हैं जो समित्र मंडल के माध्यम से सुधारों का श्री गणेश किया था। कौन से सन में? 1906 में। कभी कभी एग्जाम में सन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में सन पूछ लिया जाता है। तो देखिए 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी श्री गणेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका। ये एग्जाम में आया हुआ है कि मराठों ने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ कितने सूबों में बांटा गया था? ये आपका 8 सूबों में बांटा गया था। कौन कितने सूबों में? 8 सूबों में बांटा गया था। और छत्तीसगढ़ का पहला अधीक्षक अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड, ठीक है, कैप्टन एडमंड है। ठीक है, नागपुर के भोसले शासक शासन के क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण यानी कि नियंत्रण की जो स्थापना हुई थी 1818 में हुआ था। कौन से सन में? 1818 में। एक बार कहता हूँ कि जो भी मैं क्लासेस करा रहा हूँ उसको लास्ट तक जरूर देखना, लगातार बने रहिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, एक बार रिवाइज करके जाना। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म स्थल था आपका राजिम। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म स्थान है राजिम है, और विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित है तो आपका बलौदा बाजार जिला में सोना खान। ठीक है, जेल पत्रिका का संचालक, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आएगा। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यहाँ पर आंसर लगाइएगा ए बी सी या फिर डी। ठीक है, जेल पत्रिका का संचालक किसके द्वारा किया गया था जेल पत्रिका के लिए, एक बार बताइएगा कमेंट करके। ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें एक आंसर होगा, आप कमेंट करके बताइए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने पानी में है और कितने दूध में है आप यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या आएगा जल्दी से कमेंट करें। हाँ चलिए, आंसर आना चालू हो गया है। चलिए आप लोग तब तक कमेंट करते रहिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन में जो हुआ था आपको कौन से सन में हुआ था? 1920 में। और 1920 में आपका बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल भी हुआ था। ठीक है, चलिए 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल के कौन सी पत्रिका निकाली थी? कौन सी पत्रिका निकाली थी? कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज। ठीक है, ये कान्यकुब्ज है जो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए ये एग्जाम में आया था कि भोसले राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था 1757 में। ठीक है, आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए। चलिए इसका बताइएगा कि 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की नियुक्ति यानी किस कमिश्नर की हुई थी? डिप्टी कमिश्नर की। तो आप बताएंगे चार्ल्स इलियट, आंसर बी। ठीक है, चार्ल्स इलियट का 1855 ईस्वी में, ठीक है, 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्ति हुई थी डिप्टी कमिश्नर का। ठीक है, ये बताइए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ब्रिटिश शासन के किस वर्ष गिरफ्तार करने की सजा दी गई थी? तो 1921 यानी कि 1921 यानी कि 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को ब्रिटिश शासन 1921 में सजा दी थी। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के प्रसिद्ध सम्मेलन 126 कब हुआ? तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा
कमेंट करके ए बी सी एफ डी क्या आएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के लिए फिर से क्वेश्चन दिया हूँ मैं, ठीक है, कमेंट करिएगा। हाँ बिल्कुल, तब तक मैं नेक्स्ट क्लास का क्या चीज़ बोल रहे हो, हाँ छत्तीसगढ़ के जो टाइमिंग बता रहे हो, तो टाइमिंग आपका 7:30 से 8:30 के बीच क्लास अपलोड होती है, ठीक है, 7:30 से 8:30 के बीच में, ठीक है, डेली क्लास करते रहिएगा, ठीक है राहुल, डेली क्लास करते रहिएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया वीडियो, पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले रायपुर में जो आगमन हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में हुआ था। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि देखिए छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था, महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, इसको छोड़ दो, चलिए ये वाला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया, छत्तीसगढ़ जो राज्य की मांग हुआ था सबसे पहले विधानसभा में कब उठाया गया था, तो 1955 में, ठीक है, कब 1955 में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की जो रियासत है भारत संघ के मध्य प्रांत, ठीक है, विलय कब हुआ था, तो ये आपको 1948 में, ठीक है, विलय 1948 में। अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी कहीं पर दिया होगा, ये आपको 1 जनवरी 1948 बिल्कुल सही है। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, इसका तो आंसर डायरेक्ट बता दिए हैं, मणिपत राव दिनकर आंसर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसने दी है, त्याग मूर्ति आपका ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला शासिका, जो राज्य की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी है, यह भूलने की चीज नहीं है, ठीक है ना। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि कौन जाना जाता है, सेंट ऑफ जेरूसलम रुद्र प्रताप देव, ठीक है। चलिए, होमरूलिंग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये आप सभी को मालूम है, एग्जाम के पहले आप सभी को कराया था ठक्कर बाबा करके, तो आप देखिए कहीं पर ठक्कर दिया होगा, ये देखिए, तो राय बहादुर। तो होमरूलिंग योजना ने रायपुर जिले का जो प्रतिनिधित्व किया था आपका राय बहादुर है ना, ये आपको एग्ज़ाम में आता है। ये 1924 में पंडित, ये तो एग्ज़ाम में आ चुका, देखिए दो बार रिवाइज हुआ है, देखिए रिवाइज हुआ है, देखिए दो बार, इसीलिए कहता हूँ डेली क्लास करते रहिएगा, बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत किया है, कौन, रविशंकर शुक्ल, ठीक है, रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, आप देख सकते हैं आंसर भी होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। देखिए, जो मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर जो नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं, ई राघवेंद्र राव, ठीक है, ई राघवेंद्र राव आपका आंसर ए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है, किसने, चलिए बताइएगा, पंडित रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे, या इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा, ए बी सी या डी, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीएससी व्यापम की, ठीक है, और भी आगे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप तो कमेंट में बताइएगा कि पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर व्यापम की, ठीक है। एक और बात है कि अगर आप पीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो व्यापम की तैयारी आसानी से हो जाएगा। यह आपको वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, जो कि वन डे एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, जो व्यापम क्वेश्चन रहता है वन डे एग्ज़ाम रहता है, इसीलिए आप पीएससी का पूरा डीप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप व्यापम ही तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आप व्यापम का जो हेडिंग रहता है स्टार्टिंग का, वो आप याद करिएगा ना, डीपली नहीं पूछता। ओके, थैंक यू, आज के लिए वेरी गुड।